व्लाग शुरू करने से पहले मैं आपको अपने व्लागर दोस्त का इंट्रो करवाते हुए चलो, जो खूबसूरती के लिए ऐसे बहुत फेमस है। खलील रहमान जैसे एक्टर ने इसके साथ कॉन्टैक्ट किया और इसको बोला कि मैंने एक ड्रामा किया था प्यारे अफजल, अब तुम्हारी खूबसूरती को देखते हुए मैं एक और ड्रामा करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा गंदे अफजल। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे आती है इसकी व्लॉगिंग। अब इसकी व्लॉगिंग देखने के बाद पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है वो देखें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये मेरा यतीम दोस्त छुरी छपाई जाती इसको सैनी पक्की गल बात कुछ छपाई जाती अच्छा जी, अब मेरा ये दोस्त जो गोश्त वाले से 2000 का गोश्त 1000 में ले रहा था, ये बोल के वापसी पे तुम्हें भी बिरयानी देके जाएंगे। फाइनली बिरयानी का सारा सामान लेने के बाद जब मेरा दोस्त पानी भरने के लिए गया तो उसकी खूबसूरती को देखते हुए पीछे से एक आवाज आई। ये सुनने के बाद मेरे दोस्त ने कहा हम तो एक महीने हम ये लेके जाएंगे, लेकिन वो बच्चे सारी गैंग लेके आ गए। ये देखने के बाद मेरे दोस्त ने हथियार डालने में नासब समझा और उसने गैलन में जो पानी भरा था वो निकाला और उसके बाद अब उसने बच्चों से थोड़ा सा बदला तो लेना ही था, उसने थोड़ा सा एडवेंचर तो करना, उसने जो पाइप भरा हुआ इसने ये बुक किया, उसने कहा भाई अब ये पाइप तुम्हारा गया। ये मेरा दोस्त रस्ते में काफ़ी बनते उठा लेता। अब उसके बाद एक दोस्त आगे और एक उसके पीछे, सही माँ बच्चे वाला सीन, जैसे बाजार में एक माँ आगे आगे चलती है और बच्चा उसके पीछे पीछे जाता है, ऐसे मेरा दोस्त पीछे कैमरा पकड़ के अगले दोस्त पर नजर रखते हुए कि उसको रस्ते में कोई और रुकावट बनने वाली चीज़ ना उठा ले। अब इतना चलने के बाद फाइनली उनको एक डेस्टिनेशन के ऊपर एक बावली नजर आई। जब वो दोनों बावली के ऊपर पहुंचे तो बावली के अंदर पानी तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि किस्मत के ये दोनों बहुत पक्के थे, लेकिन मेरे दोस्त ने वही जुगाड़ लगा लिया था तो वो बचपन से बहुत कमीना, उसने जाती हुई लाइन तोड़ दी, उसने कहा बाकी भाई हमें पानी मिलना चाहिए बाकी जाए बाहर में। खैर उन्होंने पानी शानी भरा और पानी उठाया और वहाँ बच्चे वाला सीन शुरू हो गया। फिर आगे आगे बच्चा पीछे पीछे माँ पीछे से बच्चे को डेस्टिनेशन बता रही थी, लेकिन बच्चे का कमाल देखे ना, असली ट्विस्ट तो इधर है, बच्चे ने गैलन तो उठाया हुआ था साथ में, उसने शुबार उठाना बहुत मुनासिब समझा। अब ये क्या लॉजिक है वो कमेंट्स में खुद बताएगा। अब फाइनली ऐसी डेस्टिनेशन पर आ चुके थे जहाँ मैं और मेरा दोस्त पहले पहुंचे हुए थे, हम इधर बैठे पी रहे थे, हमने इनको देखे हादसा दिलाए और ये ऐसे हमसे मिले जैसे कुंभ के मेले में हम बिछर गए थे। भाई जी भी आप उन्होंने बोला कि भाई ये सामान वगैरह उठा लो, हमने कहा भाई इधर तक ले आओ आप थोड़ा सा आगे हो ले आओ, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा भाई नहीं अब आपने उठाने उठाना। ये मेरा दोस्त जो स्टील कस्में और पुराने क्राउन उठाने के लिए तैयार था कि भाई मैं ये कहना इधर से गिराने लगा, अगर उठा के लेके जाना तो लेके जाओ। जय श्री राम, जय कलमा श्री राम बोल शुरू हो गए थे, क्योंकि इधर मैंने मेरे माइंड में ये चला था कि मैं भी एक वीडियो बनाऊँ तस्वीर पकड़ के और अगले जुमे वाले दिन मैं भी इसके ऊपर नाथ लगाऊँ, आका कभी मुझे भी मदीने बुलाओ और मैं भी उसको स्टेटस लगाऊँ जो मेरा ख्वाब ख्वाब ही रह गया। अच्छा, अब मैं और मेरा दोस्त जो स्प्राइट मिंट की बोतल को कोई ताकत वाला जूस समझ के दबा दबा के पी रहे थे, हमें लग रहा था ये शायद कोई ताकत बनाने वाला जूस है, लेकिन हमें नहीं था पता कि ये कोई मिंट फ्लेवर है स्प्राइट का, आप लोगों को पता होगा। खैर अब मेरा दोस्त जिसने घर से बर्तन लाया था उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंशन थी कि अगर बर्तन ख़राब हो गया तो मुझे घर अंदर नहीं भरने देंगे, क्योंकि उसके घर वालों को आज भी अगर दो ऑप्शन देना कि एक साइड बर्तन और एक साइड वजाद, आप कौन सा चूज़ करोगे, तो वह कहेंगे वजाद गया बाहर में, मुझे तो हमें तो बर्तन चाहिए क्योंकि वो बिरयानी बनाने का काम तो आएगा ना। अब इस मेरे दोस्त की इतनी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है अपने घर में, ठीक है। अब वो बर्तन को खैर उसने मट्टी वगैरह लगाई और सूखने के लिए रख दिया, इतनी देर में हमने चूल्हा चूल्हा बनाना शुरू कर दिया, चूल्हा बनाने के लिए आप क्योंकि हमारे हम चारों ही तजियाकार थे, लेकिन अब खैर फाइनली एक डेस्टिनेशन हमारी डिसाइड होगी और उसके ऊपर हमने चूल्हा बनाना शुरू कर दिया। इतने में देखा बकरी आ गई, बकरी ने कहा भाई नहीं मेरी सुनो मैं बताती हूँ, लेकिन बकरी को स्टिल हमने ऐसे इग्नोर किया जैसे आज भी पढ़े लिखे लोग नून लीग को इग्नोर करते हैं, नून लीग के सपोर्टर्स को करते हैं। खैर बकरी तो वापस चली गई इतना इग्नोर होने के बाद। उसके बाद हमारे दोस्तों हमने मिल्क शुल के ना चूल्हा चूल्हा बना लिया, अब उसमें आग शुवा वगैरह सारा कुछ ओके लगा दी। आग लगने के बाद क्योंकि अब मेरा दोस्त जो है ही शौकिया, मतलब शोखा सा, वो शौकिया मानने लगा नहीं भाई मेरा फ़ोटो खींचो, मैं अपनी फियांसे को भेजूंगा और उसको बोलूँगा कि मैं खाना बना लेता हूँ।
आप शादी का सुनते ही जो मेरे दोस्त के मन में एक लड्डू फटा, उसने कहा भाई शादी की बात है तो दो। उसने तो हमसे वो कच्ची भी लिया, उसके बाद घुमाना शुरू कर, उसने कहा भाई ये देखो मैं तो और अच्छे से बना लेता हूँ, मेरा लवाब उसको कौन बताया उसकी बुद्धि हो चोरी दनु, समझ नहीं आ रहा कि चोरी कौन सी है, पतीले में पड़ी हुई और तुम्हारी बुद्धि किधर है। खैर हमने नोट किया, बकरियां बार बार आ रही, बकरियों को लग रहा था कि भाई ये भी हमारी बरादरी की कोई शायद महफिल चली, क्योंकि काम ही जनवरों वाले थे सभी के। खैर अब वो तीनों आ गए, उन्होंने कहा भाई नहीं हम तीनों का ही शूट लो। अब इनको कौन बताए भाई, इन शक्लों के लिए शूट है, इनके शक्लों के लिए जूत बने हुए हैं, जो एक एक तीनों को ना और बताओ। लेकिन खैर मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ एडिट वगैरह करके ना आप कोई ना फोटो छाप बना लेंगे, टाइटल पेज में लगा फोटो, आप बताएंगे कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं। खैर अब वो हमने बनने के लिए सारा कुछ रख दिया, इतनी देर में हमारी तजिया कार्य शुरू हो गई। हमने कहा जो हमने कलेक्शन दिया 1-1 हज़ार रुपया सभी ने, अब हमारी बनने के बाद जो है हुकूमत को टैक्स आएगा उससे मुल्क में क्या क्या काम होगा। एक ने तो खादी कार्ड, जिसने कहा भाई जो पाकिस्तान में पंजाब की साइड में बिजली बनी है वो मेरे 700 रुपये से बन रही है। खैर ये सुनने के बाद मेरे दोस्त विजय ने कहा भाई मेरी तो एंड हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन सकता। वो चला गया प्याज काटने के लिए, हालांकि उसको प्याज काटना आता था या नहीं था, लेकिन चला वो गया चाकू उठा के काटने के लिए। इतनी देर में वो बस वाइट चावल ही डाले थे, कौरमा हमारा साइड में था, क्योंकि अब चावल थोड़े से बॉयल होने के बाद लड़कियाँ बैटर जानती होंगी कि इसके बाद ही इसको वो तय वगैरह लगाते हैं। अब हमने पानी इसमें इतना ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि पानी हमें फ्री का मिला हुआ था, तो हमने वो बहुत ज़्यादा डाल दिया था, पानी निकालने में हमारा आधा घंटा घंटा लग ही गया, क्योंकि उसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा था। अच्छा जी, अब हमने इसमें तेल लगाना शुरू कर दिया। तेल लगाने के लिए हमने इसमें जो रंग वगैरह बनाया हुआ था वो सारा मिक्स किया। वो मिक्स करने के बाद हमने वो मिर्ची और वो लेमन वगैरह हमने इसमें डालना शुरू कर दी, और उसके बाद हमारे पास जो तेल में बना हुआ थोड़ा सा कौरमा रह गया था वो हमने सबसे ऊपर डाल दिया। ये डालने के बाद हमने इसमें अब कपड़ा वगैरह लपेट लिया, लेकिन उसके बाद हमारे साथ एक और प्रैंक हो गया। वो हमारे साथ ये प्रैंक हो गया कि हमने जो कपड़ा लपेटा हुआ था ना उसको लग गई आग। हम लिपटे कपड़े को इतने ज़ोर से आग लगी, हमने वो पानी वगैरह डाल के आग बुझाई, उसके बाद हमारी बिरयानी तो रेडी होगी, लेकिन अब हमें पता नहीं था कि ये बना क्या होगा। इधर मैं इतने साथ में देख रहा था, मेरा दोस्त जो जिसने पहली बार वो शायद सलाद बनाया था वो बार बार ये दिखा रहा था भाई ये देखो मैं सलाद बना रहा हूँ, ये देखो मैं सलाद धो रहा हूँ। इवन इसने ये भी बोला कि भाई मैं ये प्याज काट रहा हूँ, ये मैं ये काटने लगा, ये मैं वो काटने लगा। उसके बाद खैर हमारी बिरयानी तो रेडी हो चुकी थी, हमने वो लीने लूने उसमें से निकाली, हमने कपड़ा था, अब इसको मैंने मिक्स करने का तरीका था। मिक्स करते हुए पहले मेरे माइंड में आया कि मैं इनके साथ कोई प्रैंक कर दूं, क्योंकि मैं इसको ना बंदे वो छोड़ दूं और इनके साथ हैवी वाला प्रैंक होगा जाए, लेकिन ये प्रैंक मेरे लिए जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने मुझे इधर ही मार के दफना के चले जाना था और कोई इनको पूछने वाला नहीं था, क्योंकि ये तो कहते भाई जंगल में हमें क्या पता कोई इस जंगली जानवर खा के चला गया है। इसलिए मैंने ये सारा कुछ अपने माइंड में रिपीट करते हुए कहा नहीं, अब धोबी की बुछार की तरह मैंने पतीले को घुमाना शुरू कर दिया। प्रैंक तो बताता चलूँ आपको, प्रैंक ये था कि मैं इसको ऐसे हिलाते हुए ना छोड़ दूँ, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं। खैर अब मैंने इसको धोबी बुचार की तरह से अच्छे से बुचार दी इसको, उसके बाद ये सारा कुछ रेडी हो गया था। अब रेडी होने के बाद हमने जो इसको फर्स्ट लुकिंग थी वो देखने के लिए बड़े बेताब थे कि वो ये लुक कैसी देगी। मैं और मेरा दोस्त जिसकी ये लड़ाई हो गई थी, उसने कहा भाई मैं खोलूँगा, मैंने कहा नहीं भाई मैं खोलूँगा, लेकिन मैंने इसको कुत्ते की तरह काटना शुरू कर दिया, और इसने में उसने हार मान के वो दूर जा गया, क्योंकि प्रोटीन खा के मेरे भाई के अंदर एलर्जी लेवल तो बहुत ही बढ़ गया था, इसलिए अब वो चला गया। तो मैंने इसको खोल दिया, लेकिन खोलने के बाद यार क्या लुक निकली, उफ माइंड ब्लोइंग यार, बहुत ही मज़े की लुक तो लुक थी यार, जो इसका टेस्ट था बिरयानी का। इवन अब ये हमने इसको बैठा दिया डालने के लिए कि तुम डालो। अब इस बंदे ने क्या ही मज़े की, मैं कहता हूँ कि डिवाइड किया, अगर किसी को कोई भी चीज़ डिवाइड करवानी हो ना तो इस बंदे को बिठा दो यार, क्या ये डिवाइड करेगा। बस इस बंदे में आप जैसी बात जो मेहनत करता है उसका हक तो ज़्यादा होता है, इसलिए इस कुकिंग में भी इसने अपना हक बहुत ज़्यादा रखा था। ये बताने के लिए चौधरी माधव साहब, आप हमको बेहतर बता सकते हैं कि इस बंदे ने अपना हक कितना।